रुद्र अर्थात भूत भावन शिव का अभिषेक। शिव और रुद्र परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शिव को ही रुद्र कहा जाता है क्योंकि रुतम दुखम द्रावयति नाशयति रुद्रः, यानी कि भोले सब दुखों का नाश कर देते हैं अर्थात उन्हें नष्ट कर देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों के कारण हैं। रुद्रार्चन और रुद्राभिषेक से हमारी कुंडली से पातक कर्म एवं महापातक भी जलकर भस्म हो जाते हैं और साधक में शिवत्व का उदय होता है। भगवान शिव का शुभ आशीर्वाद प्राप्त भक्त को होता है और उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की पूजा स्वतः ही हो जाती है। रुद्र हृदयोपनिषद में शिव के बारे में कहा गया है कि सर्व देवात्म को रुद्र सर्व देवा, शिवात्मक अर्थात शिव सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित हैं और सभी देवता रुद्र की आत्मा हैं। हमारे शास्त्रों में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक के पूजन के निमित्त अनेक द्रव्यों तथा पूजन सामग्री को बताया गया है। साधक रुद्राभिषेक पूजन विभिन्न विधि से और विविध मनोरथ के साथ में करते हैं। किसी खास मनोरथ की पूर्ति के लिए अलग अलग सामग्री से रुद्राभिषेक किया जाता है। जल से अभिषेक करने पर वर्षा होती है। असाध्य रोगों को शांत करने के लिए कुशोदक से रुद्राभिषेक करें। भवन वाहन के लिए दही से रुद्राभिषेक करें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें। धन वृद्धि के लिए शहद एवं घी से अभिषेक करें। तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र मिले जल से अभिषेक करने से बीमारी नष्ट होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए दुग्ध से और यदि संतान उत्पन्न होकर मृत पैदा हो तो गौ दुग्ध से रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक से योग्य तथा विद्वान संतान की प्राप्ति होती है। ज्वर की शांति हेतु शीतल जल गंगा जल से रुद्राभिषेक करें। सहस्र नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए घृत की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है। प्रमेह रोग की शांति भी दुग्ध अभिषेक से हो जाती है। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने पर जड़ बुद्धि वाला भी विद्वान हो जाता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु पराजित होता है। शहद के द्वारा अभिषेक करने पर तपेदिक दूर हो जाती है। पातकों को नष्ट करने की कामना होने पर भी शहद से रुद्राभिषेक करें। गोदुग्ध तथा शुद्ध घी द्वारा अभिषेक करने से आरोग्यता प्राप्त होती है। पुत्र कामना हेतु शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक करें। ऐसे साधारण विशेष अवसर पर या सोमवार प्रदोष और शिवरात्रि और श्रावण में मंत्र गोदुग्ध या अन्य दूध मिलाकर केवल दूध से भी अभिषेक किया जाता है। विशेष पूजा में दूध दही घृत शहद और चीनी से अलग अलग अथवा सबको मिलाकर पंचामृत से भी अभिषेक किया जाता है। तंत्रों में रोग निवारण हेतु अन्य विभिन्न वस्तुओं से भी अभिषेक करने का विधान है। इस प्रकार विविध द्रव्यों से शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करने पर अभीष्ट कामना की पूर्ति होती है। शिवलिंग के विषय में कहा गया है कि यदि पारद शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो इसके बहुत ही चमत्कारिक शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। वेदों और पुराणों में रुद्राभिषेक के बारे में कहा गया है कि रावण ने अपने दसों सिरों को काटकर उसके रक्त से शिवलिंग का अभिषेक किया और सिरों को हवन की अग्नि को अर्पित कर दिया, जिससे वो त्रिलोक जयी हो गया। भस्मासुर ने शिवलिंग का अभिषेक अपनी आंखों के आंसुओं से किया तो वह भी भगवान के वरदान का पात्र बन गया।
काल सर्प योग, ग्रह क्लेश, व्यापार में नुकसान, शिक्षा में रुकावट, सभी कार्यों की बाधाओं को दूर करने के लिए रुद्राभिषेक आपके अभिष्ट सिद्धि के लिए फलदायक है। स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भी कहा है कि जब हम अभिषेक करते हैं तो स्वयं महादेव साक्षात उस अभिषेक को ग्रहण करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु, वैभव, सुख नहीं है जो हमें रुद्राभिषेक करने या करवाने से प्राप्त नहीं हो सकता।